Hi student, welcome RCIA who have online classes. Class 11th biology chapter 8th topic अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका जो तंत्र होता है इसके अंतर्गत कुछ कोशिकांग आते हैं जिनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्गी बॉडी, थर्ड लैनकाय और वक्यूल रसधानी। ये इसमें कोशिकांग आते हैं जो सभी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जाली का। यह यूकैरियोट कोशिकाओं में है। सबसे पहले पाई किसमें जाती है? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर यह पाई जाती है और चपटी थैली युक्त और नलिका रूपी संरचना होती है। पर चपटी थैली युक्त नलिका रूपी संरचना होती है इसको ER कहते हैं। इसकी खोज 1945 में है। इसके अंदर कीथ पोर्टर ने की थी और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, इसको बोलते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड जो होती है वो होती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, इसको बोलते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER पढ़ेंगे यहां पर खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के सूक्ष्म कण जो होते हैं इसकी सतह पर पाए जाते हैं, तो सतह पर सूक्ष्म कण उपस्थित होने की वजह से इसका नाम यहां से पड़ा खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर राइबोफोरिन के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। राइबोफोरिन प्रोटीन आती है, उस प्रोटीन के माध्यम से ये राइबोसोम जो होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके रहते हैं। यानी कि पूछा जा सकता है यहां से राइबोसोम जो होते हैं वो किसकी सहायता से इसके ऊपर चिपके रहते हैं, तो कौन आएगा यहां पे? राइबोफोरिन आता है। इसके कार्य जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। RER इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। नेक्स्ट पॉइंट चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, यानी कि वह ER जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते और इसकी सतह जो है वो बिल्कुल फ्लैट पाई जाती है, चिकनी होती है, इस वजह से इसका नाम पड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो कार्य होता है वो होता है लिपिड संश्लेषण। तो यहां से मुख्य रूप से यदि पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो है तो वो कार्य यहां से क्या आ जाएंगे, यहां एक तो RER का प्रोटीन संश्लेषण और दूसरा है SER का लिपिड संश्लेषण। इसकी संरचना जो होती है उसमें तीन प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, वो रचनाएं देखेंगे अभी। इसमें तीन प्रकार की रचनाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो होती है सिस्टर्नी। सेकंड वेसिकल और थर्ड है ट्यूबुल्स। तीन रचनाएं इसमें पाई जाती हैं। तो यहां से सबसे पहले सिस्टर्नी जो होती है ये ER के अंदर लंबी पतली शाखाहीन, लंबी होती है पतली होती है और शाखाहीन यानी कि शाखाओं में बटी हुई नहीं होती है,
नलिकाकार संरचना। अब यह देख लेंगे हम उसमें डायग्राम के अंदर लंबी पतली शाखा ही नलिकाकार जो संरचना होती है वो सिस्टर्नी होती है। इसके बाद वेसिकल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गोल अंडाकार थैले समान संरचना जो होती है उसको बोलते हैं वेसिकल, वेसिकल होती है। इसके बाद लास्ट है ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स जो है वो शाखित नलिकाकार होती है, शाखित होती है साथ में नलिकाकार जो संरचना पाई जाती है उसे ट्यूबुल्स बोलते हैं। इसकी संरचना संरचना जो होती है वो बनाएंगे यहां से अभी। केंद्रक से जुड़ी हुई संरचना होती है ये वाला पार्ट जो है, जी हाँ केंद्रक होता है और केंद्रक के साथ ही ये जुड़ी हुई होती है। ये नलिकाकार जो संरचनाएं होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और इसके ऊपर जहां पर ये सूक्ष्म कण पाए जाते हैं ये राइबोसोम होते हैं। ये वाला पार्ट ये केंद्रक हो गया, यहां से ये राइबोसोम है। राइबोसोम जिस सतह के ऊपर है वो ईआर कहलाएगी, यहां से आर, और जहां पर राइबोसोम अनुपस्थित है ये कहलाएगी एसईआर, दोनों को मिलाकर हो जाएगा यहां पर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा यहां से। और इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है अशाखित वाला वो सिस्टर्नी होती है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी जो कि केंद्रक के जस्ट बाहर की ओर साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। धन्यवाद।